मॉर्निंग। उत्तर प्रदेश पीसीएस का मेंस, यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम और मध्य प्रदेश का मेंस एग्जाम और व्यापम की आने वाली पोस्ट के हिसाब से एग्रीकल्चर का पार्ट बढ़ता जा रहा है। तो आज हम एक एक दो दो पर डे दो दो तीन तीन फसल लेके चर्चा करते हैं। पहली दो फसल बड़ी है इसलिए पहले दो फसल पर चर्चा कर लें। पहली फसल है हमारी गेहूं। गेहूं का बॉटनिकल नेम टिटिकम एस्टिवियम है और यह ग्रैमिनी कुल का पौधा है। मध्य प्रदेश में उत्पादन की दृष्टि से गेहूं का प्रथम स्थान आता है, जबकि बोने के आधार पर यह दूसरा है। गेहूं सर्वाधिक उत्पादन की दृष्टि से क्षेत्र के आधार पर होशंगाबाद और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन जिला होशंगाबाद है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का प्रति हेक्टर के आधार पर उत्पादन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट करती है, जबकि अंतरराष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र जबलपुर के खमरिया में स्थित है। मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र होशंगाबाद के पवारखेड़ा में, जबकि भारतीय गेहूं अनुसंधान केंद्र पूसा नई दिल्ली में है। मालवा को हम गेहूं की डलिया या के नाम से जानते हैं, पर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला घाटी बोले तो नर्मदा घाटी क्षेत्र है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल पर पड़ा। गेहूं का सर्वाधिक विश्व में उत्पादन चीन, भारत, अमेरिका उत्पादित करता है। एंड चीन और भारत और अमेरिका इसमें पहले नंबर पे हैं। जबकि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा बोए जाने के आधार पर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। गेहूं उत्पादन करने वाले शीर्ष राज्य की बात कर लें तो यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। जब गेहूं का प्रति हेक्टर के आधार पर उत्पादन पंजाब करता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला होशंगाबाद, जबकि पर हेक्टेयर के आधार पर गेहूं का उत्पादन करने वाला जिला देखें तो हमारा उज्जैन डिस्ट्रिक्ट है। गेहूं और मक्का का रिसर्च सेंटर की अगर बात कर ले तो ये जबलपुर की खमरिया में लगा है, जबकि विश्व का गेहूं रिसर्च सेंटर मेक्सिको, मध्य प्रदेश का गेहूं रिसर्च सेंटर होशंगाबाद के पवारखेड़ा में स्थित है। गेहूं अंतरराष्ट्रीय गेहूं रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर लें तो ये दो जगह हैं, मेक्सिको और दमिश्क जो सीरिया की राजधानी है। अगर हम मध्य प्रदेश में गेहूं की उत्पादन होने वाली किस्म की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन होने वाली गेहूं सरवती, दूसरा लोकमन, नर्मदाचार और सुजाता है। सीहोर में सर्वश्रेष्ठ किस्म सरवती का उत्पादन होता है। गेहूं की भारत में किस्म देखें, सोनारा 63-64, राज 3077, कल्याण सोना सबसे अधिक उत्पादन करने वाली गेहूं की किस्म है सोनालिका, अर्जुन, टिटिकल। टिटिकल जो है गेहूं और राई की कॉम्बिनेशन से बनाई गई एक हाइब्रिड किस्म है, कुंदन, कल्याण, टिटिकम। नॉर्मन वॉलग ने इसे खोजा जिन्होंने मेक्सिको में विकसित किया। मैक्रोनी अशिक्षित परिस्थितियों में पैदा होने वाला गेहूं है, इसे हम सख्त गेहूं की संज्ञा देते हैं। ईमर गेहूं दक्षिण भारत के कुल क्षेत्र में उगाया जाता है। प्रति हेक्टेयर गेहूं 16 केजी प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। सब जो है प्रति हेक्टर के आधार पर दक्षिण भारत में उत्पादन होता है इसका। ईमर गेहूं को दक्षिण भारत का भंडार के नाम से जानते हैं। गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें गेहूं में साथ ही विटामिन B1, 6, 2 और विटामिन ई पाया जाता है। रस्ट, करनाल, वेट ये इसमें होने वाले रोग हैं। साथ ही खरपतवार गेहूं का जो है मुख्यतः फ्लोरिस माइनस होता है, जिसे हम गेहूं का मामा कहते हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं उत्पादक 5 क्षेत्र हैं।
मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, भोपाल राजगढ़ और सीहोर का, सॉरी भोपाल रायसेन और सीहोर, ये हमारे मध्य प्रदेश में उत्पादक एरियाज हैं, जिसमें नर्मदा सोन घाटी सबसे अधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। अब आगे बढ़े अगर हम तो देखें, इसमें चावल का हमारा दूसरा उत्पादन है, चावल का जो अपन को इंपॉर्टेंट रखना है। चावल को बॉटनी का नाम ओरिजा सेटिवा है, जो बस 100 वर्षा इसमें 125 सेंटीमीटर से होती है। इसके लिए मिट्टी जो इंपॉर्टेंट है वो लाल पीली मिट्टी दोमट प्रकार की सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल थी इसे। आप विभाजित मध्य प्रदेश को चावल का कटोरा, धान का कटोरा कहते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के पठार के सम्मिलित स्वरूप को हम चावल का कटोरा कहते हैं। मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी, भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कटर, विश्व में चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। एक और चीज रखें, मनीला में ही जो चावल का रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया है, जिसे मोदी जी के नाम पर रखा गया है, इसका नाम केंद्रीय उपोषण उद्यान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में है। मध्य प्रदेश का प्रथम जिला चावल उत्पादन के आधार पर बालाघाट है। बालाघाट में दोनों मौसम में धान की खेती की जाती है। बालाघाट में होने वाली कृषि को रोपा कृषि या बरानी कृषि के नाम से जानते हैं। चावल की अगर बात कर ले तो इसके हम एरियाज को चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उत्पादन बेन गंगा का बेसिन, बघेलखंड का पठार, जबलपुर और कटनी का एरिया और रीवा पन्ना का पठार। चावल से मिलिंदा और लीवी नीति संबंधित है, जिसे 2012 में समाप्त कर दिया गया। यह जो नीति थी जूट की बोरियों में चावल भरने से संबंधित थी, जो समाप्त कर दी गई। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 76% पाया जाता है। विश्व में उत्पादित खाद्यान्न क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि चावल प्रथम स्थान है। भारत में 32% पर क्षेत्रफल पर चावल बोया जाता है, उत्पादन 21.6% होता है। भारत में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल की अगर हम बात कर लें तो चावल है जो सबसे अधिक मात्रा में बोया जाता है। संकर खेती या हाइब्रिड खेती, सुनहरा चावल, बासमती चावल, ये उत्तर प्रदेश में होता है। बासमती का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जिले करते राज्य करते हैं। सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत है और आयातक देश चीन है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2004 में चावल वर्ष घोषित किया। उत्पादन में विश्व में चावल का प्रमुख देश चीन और भारत है। भारत में चावल उत्पादक प्रमुख राज्य की बात कर लें, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जबकि पर हेक्टर के आधार पर चावल का सबसे अधिक उत्पादक जो राज्य है वो है पंजाब। चावल मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है। चावल में एमाइलोज एमाइलो पेक्टिन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम चावल में। चावल को धुलने या पॉलिश करने पे विटामिन B1 चला जाता है, यानी थायमिन इसका नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से हमें बेरी बेरी रोग हो जाता है। धान की खेत में पक वंजन की जाती है, जो जल के रिसाव को कम करने के लिए उत्तरदायी है। धान हेतु प्रमुख चावल उर्वरक जो है, धान में उर्वरक कीजिए, उर्वरक की नील हरित शैवाल और एजोला है। चावल में होने वाला रोग कालमेज है, ब्राउन स्पॉट दूसरा है, धान का झुलसा रोग, बंका कीट रोग, सह समारी रोग, लीफ रोलर, जिसमें ब्राउन स्पॉट सबसे इंपॉर्टेंट, जो बंगाल में फैला था तो कई एरिया में अकाल पड़ा था। इसके लिए इस जो स्पॉट रोधी की जो किस्में हैं, यानी इसका इफेक्ट ना पड़े, तो बंगाल में कृष्णा साबरमती और IR इंडियन राइस 24 किया गया था। फाल स्मट और झूठा रोग, झूठा कंडुआ रोग, फाल्स स्मट और झूठा कंडुआ रोग, ये कवक के द्वारा होने वाले रोग है। खैरा रोग धान की में होने वाला जिंक की कमी से रोग है। इसका प्रकोप भारत के तराई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसकी रोकथाम के लिए जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। प्रोपेनिल ब्यूटा मलोरो धान में प्रयुक्त होने वाले खरपतनाशक हैं। DGBU जेन
चावल में बोनेपन का जीन है, ओपेक टू जीन का मक्का से है। चावल की प्रमुख फसलें की बात करें तो अमन फसल जो जाड़े के मौसम में बोई जाती है ओस शरदकालीन फसल के समय, बोरो ग्रीष्मकालीन के समय। अगर हम देखें चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाली किसी है लुनीसुरी। चावल की प्रमुख फसलें धान की लंबी प्रजाति वाली कासी सुधा साकेत बुंदेला। कासी सुधा साकेत बुंदेला ये लंबी प्रजाति की हैं। बौनी प्रजाति की सबसे बौनी प्रजाति किस्म है जया। इसमें मेन देख लें जया जगन्नाथ जागृति, फिर हमारा गोविंद प्रसाद बाल सरस्वती सोना कृष्णा विजय और पंकज। अब देखते हैं इसकी धान की अवरोधी प्रजाति। अवरोधी प्रजाति नगीना 222 बाला और कावेरी है। धान की सुगंधित किस्म देख लें पूसा सुगंधित 5 जो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। धान की अन्य किस्में की बात करें बरानी दीप नरेंद्र शंकर लालमती गोविंद भोग आवा अजय अभय आदित्य श्वेता गौरी पूसा बासमती कौसर जम्मू कश्मीर में उत्पन्न होती है। मही सुगंधा पूसा 1509 पद्मा बरानी दीप। बासमती धान सबसे ज्यादा उत्तराखंड वर्तमान समय मध्य प्रदेश में होने लगा है। ये सुनहरा चावल की खोज इंगो प्रोटिकस तथा पीटर वेयर को जाता है। सुपर राइस विकसित करने का श्रेय जीएस कुश को जाता है। संकर चावल की खेती चीन में शुरू हुई थी 1970 में। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, साथ ही इसमें विटामिन ए पाया जाता है। रेनू जो इसकी किस्म है ऊंची भूमियों के लिए उपयुक्त होती है। लुनीसुरी धान का सबसे अधिक उत्पादन करने वाली प्रजाति है। इसका निर्माण भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक ने इसका निर्माण किया। धान सुगंधित वाली प्रसिद्ध पूजा 1460 ब्रांड नेम है चावल की किस्म है। पश्चिम बंगाल में अगर हम देख लें राज्य वाइज तो गोविंद भोग कामनी IR8 IR20 सुपर राइस का सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है इसका निर्माण उत्पादन सॉरी। तमिलनाडु में संबा कुरवई नावाराई किस्म का इसमें उत्पादन किया जाता है। गुजरात में जरीसाल उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में बासमती संकर धान सुपर राय सॉरी गोल्डन राइस इसका निर्माण होता है। धान के प्रमुख रोग पत्ती का धब्बा झोंका बक्कानी धाग प्रमुख रोग हैं, जबकि खेरा रोग जस्ती कमी से होता है और टुंगरू रोग वायरस में के कारण धान में लग जाता है। कल अन्य 3 फसल लेके आएंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। आज 2 फसल ही आपके लिए आज